लास्ट क्लास के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें कवर की थी, याद आ रहा है? बिल्कुल बेसिक बेसिक हमने बातें की थी कि बिजनेस क्या होता है और ये क्या होता है और वो क्या होता है। आज हमने जो है वो बेसिकली डिटेल में इसको देखना है। पहले मुझे बताओ मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं वीडियो आपसे कनेक्ट कर देता हूँ, रुक जाओ। जी मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने शुरू किया था एक टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, हमने उस पर कोई बात नहीं की थी। आज हमने इसको सर शुरू करना है और डिटेल में देखना है, ठीक है जी। देखो अगली चार पांच क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अगली चार पाँच क्लासेस बुनियाद बनेंगी आपके पूरे एमएफए की, पूरे एमएफए की, एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एमएफए की बुनियाद बनेंगी ये चार पांच क्लासेस, ठीक है। तो आपने बड़े तमीज़ और तरीके से इन क्लासेस को लेना है और घर जाके जो होमवर्क दे रहा हूँ साथ साथ करते जाना है, ठीक है जी। देखिए एक कंपनी है, स्क्रीन नहीं आ रही, कहाँ पर? अच्छा अब आ रही है, आ गई। और क्या नहीं आ रहा है? नहीं मैं यहीं से पढ़ाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं, आवाज़ आएगी खाली। इस आश्रम में एडमिशन लिया तो गलत ले लिया है। अच्छा जी बोर्ड में देखिएगा प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में देखिए, ये कंपनी है सर, ठीक है जी। इस कंपनी को पैसा दिया एक शेयर होल्डर ने, ठीक है जी। एक शेयर होल्डर का मतलब मैं बात कर रहा हूँ क्लास की, यानी बहुत सारे लोग मिल के हम उनको एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं उसको? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया कंपनी के पास 100 रुपए और कंपनी से कहा ए कंपनी, ए कंपनी की मैनेजमेंट, इस 100 रुपए पे हमें हर साल आपने आपने 16% का रिटर्न देना है। कितना? 16% का रिटर्न देना है। कंपनी ने कहा बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम इस 100 रुपए पे आपको 16% का रिटर्न हर साल इंशाल्लाह देंगे। ये बात समझ आती है? इसको हमने क्या नाम दिया? शेयर होल्डर। ऐसा एक और बंदा है सर, ये कंपनी को देना चाह रहा है लोन। ये कंपनी को क्या देना चाह रहा है? लोन देना चाह रहा है सर। इसने कंपनी को दिए 50 रुपए। इसने कहा भैया मैं कंपनी का ओनर नहीं हूं, मैं कंपनी का मालिक नहीं हूं, मैं आपको 50 रुपए दे रहा हूं, मुझे आप इस 50 रुपए पे 10% का रिटर्न देंगे सालाना, सूद देंगे मुझे। क्या देंगे? सूद देंगे। शेयर होल्डर ने कहा आपने मुझे कितना पैसा देना है? 16% देना। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो गया, बेतहाशा ज्यादा हो गया, तो हम इसको 16 से ज्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाला बंदा है, आपके चाहे प्रॉफिट जो है ना वो आसमानों पे चले जाएं या आपके प्रॉफिट्स बिल्कुल ग्राउंड हो जाएं, मुनाफा हो ही ना लॉसेज हो, आपने तब भी इसको 10% का रिटर्न देना ही देना है। तो मुझे एक बात बताएं, ऊपर वाला बंदा 16% मांग रहा है, इतना ज्यादा, नीचे वाला बंदा सिर्फ 10% मांग रहा है, क्यों? नीचे वाला बंदा रिस्क नहीं ले रहा। नीचे वाले का रिटर्न चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा कितना रहेगा? 8% रहेगा, 10% रहेगा सॉरी। ऊपर वाले के बंदे का रिटर्न मान तो वो 16 रहा है, लेकिन कंपनी के हालात बुरे हो गए तो हम 16 नहीं दे सकेंगे। हालात बहुत अच्छे हो गए तो 16 से ऊपर भी दे देंगे। ऐसा है ऊपर वाले बंदे को लॉस भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव रिटर्न है। नेगेटिव रिटर्न क्या होता है? कि आप किसी जगह 100 रुपए का पैसा, 100 रुपए इन्वेस्ट करो और इवेंचुअली आपको 10 रुपए का लॉस हो जाए और आपका कैपिटल कितना रह जाए? 90 रुपए रह जाए। ऊपर वाला बंदा रिस्क ले रहा है, नीचे वाला बंदा रिस्क, इसलिए नीचे वाला बंदा रिटर्न भी कम मांग रहा है। ऐसा तो नीचे वाले बंदे को मैं क्या नाम दूं? ऊपर वाला तो शेयर होल्डर है, नीचे वाला कौन है? नीचे वाले को हम कहेंगे लेंडर या डेट होल्डर। डेट होल्डर का मतलब इसने कंपनी को जो डेट दिया है, कंपनी ने इसको डेट सिक्योरिटी इशू की होगी, डिबेंचर इशू किया होगा, वो इसके पास है। अब बताओ कितने लोग कंपनी के कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? दो लोग, शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर। शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया? 100 रुपए। ये रिटर्न क्या मांग रहे हैं? और डेट होल्डर ने कितना पैसा दिया? ये रिटर्न कितना मांग रहे हैं? अब बताओ ये कंपनी अपना टारगेट बना रही है कि भाई मेरे पास 100 रुपए ऐसे हैं जिसपे मुझे कितना रिटर्न देना है? 16% का। कितना हो गया ये? 16 रुपए।
और सर मुझे 50 रुपए एक बंदे से मैंने लिए, उस पर मैंने रिटर्न देना कितना 10% का, दैट इज 5 रुपए, तो मुझे कितना कमाना है पूरे साल में 21 रुपए कमाने, कितना कैपिटल इस्तेमाल करके 150, तो मुझे बताओ सर मेरे पास वेटेड एवरेज बेसिस पे, वेटेड एवरेज बेसिस पे क्या रही है 14%। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, मुझे एक बात बताओ 14% क्या है। कंपनी के पास टोटल 150 रुपए पड़े हैं, कंपनी ने 150 रुपए के एक एक रुपए पर कितना कम से कम रिटर्न कमाना है 14%। अगर हमने पूरे 150 पे 14% का रिटर्न कमा लिया तो हम अपने शेयर होल्डर्स को 16% दे सकेंगे और अपने डेट होल्डर्स को 10% दे सकेंगे, दोनों खुश रहेंगे। अगर हमने 14% से ज्यादा कमाया तो हम सूदखोरों को कितना देंगे 10%, और बाकी का सारा रिटर्न हम किसको दे देंगे, शेयर होल्डर्स को। ऐसा है या नहीं? अब बताओ कंपनी का टारगेट क्या है। कंपनी ने कम से कम एटलीस्ट कम से कम 14% का रिटर्न जनरेट करना है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है जी। अगर सर 14% से कम रिटर्न होगा ये दोनों चिल्लाना शुरू कर देंगे। ऐसा, अब मुझे एक चीज आप बताएं, मैंने इसको वेटेड एवरेज क्यों कहा, एवरेज क्यों नहीं कहा। बताएं कंपनी के पास दो टाइप के पैसे पड़े, दो टाइप के, एक 16% सूद पे अवेलेबल है और 16% रेट के ऊपर दूसरा। क्या मैंने ऐसा किया 16 + 10 / 2 ऐसा किया मैंने? नहीं। अगर ऐसा करता तो क्या होता, ये एवरेज नहीं भाई, एवरेज नहीं। मेरे पास सर 16% वाला पैसा 100 रुपया पड़ा है, ज्यादा पड़ा है, और 10% रेट वाला पैसा कम है, तो मैंने क्या निकाला, वेटेड एवरेज रेट। अब बताएं कंपनी 14% कम से कम रिटर्न कमाएगी या नहीं। अब मेरा एक सवाल है, कंपनी ने ये पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, कंपनी को किसी ने कहा एक बस खरीद लें, क्या खरीद लें, बस खरीद लें, बस आपको मिल जाएगी 70 रुपए में, कितने में, हमारे पास कितने पैसे पड़े। कंपनी को किसी ने कहा बस खरीद लो, कितने में। अगर आप बस खरीदोगे हर साल आपको 20% का रिटर्न मिलेगा, यानी 14 रुपए का प्रॉफिट हर साल आपको बस से मिलेगा, क्या कंपनी को बस खरीदनी चाहिए। क्या देख के आपने कहा कि यस सर, आपने कहा कमाना 14% है और बस खरीद के एनुअल रिटर्न कितना होगा, तो क्या बस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 150 रुपए में से कितना पैसा बस में इन्वेस्ट कर दे, 70 रुपए। फिर किसी ने कहा एक स्कूल खोल लो, 80 रुपए इसमें डाल दो, ये आपको रिटर्न देगा 17% का, क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ सर, क्यों, क्योंकि सर हमें 14% का रिटर्न कमाना है और ये 17% का रिटर्न दे रहे हैं, क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बताओ अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल दें तो क्या हम अपने 14% के टारगेट को अचीव कर लेंगे। हाँ सर, उससे ज्यादा अचीव कर लेंगे हम, तो उससे ज्यादा जब अचीव करोगे तो दोनों को ज्यादा ज्यादा दोगे। नहीं सर, जो लेंडर है, जो डेट होल्डर है, उसको हमने कितना देना है, और जो ऊपर वाला बंदा है उसको औकात से ज्यादा पे करना है। अब बताएं सर, आपको ये वैक का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। कंपनी आगे की इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है उसको देखती है और ये देखती है कि उसको अपने पैसे पे जो उसको मिला है उस पर कितना सूद और डिविडेंड देना है, ये दोनों चीज़ों को देखती है और डिसीजन लेती है। कंपनी को कमाना कितना है, कम से कम 14%, कंपनी कमा रही है 20% और 17%, क्या कंपनी के लिए दोनों प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है। अब मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ के स्कूल में रिटर्न 12% होता, क्या पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्कूल में। नहीं सर, नहीं सर, हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करते स्कूल के अंदर। ये बात भेजे में बैठती है, ये बात समझ आती है, बेसिक बात समझ आई, ये पहले कॉपी करें। तो हमने अब वैक के कॉन्सेप्ट को मजीद खोलना है, शाबाश। एनोटेशन कहाँ आ रही है यार, बड़ा हो जा भाई अल्लाह के वास्ते यार, मेरा प्यारा बच्चा, अब मैं नाम लेके जलील करूंगा, अच्छा लगेगा आपको। वेटेड एवरेज 16 और 10 का एवरेज नहीं लिया हमने, हमने कहा हमारे पास 16% रिक्वायर्ड रेट का पैसा 100 रुपया मौजूद है, हमें एक बंदे ने 100 रुपये दिए, वो 16% मांग रहा है, और दूसरा बंदा उसने हमें कितने पैसे दिए 50 रुपये, वो कितने मांग रहा है, क्या दोनों परसेंटेज का वेट बराबर है। नहीं, 16% वाले हमारे पास 100 रुपये और 10% वाले हमारे पास 50 है, तो हमने वेटेड एवरेज रेट निकाला, एवरेज नहीं निकाला है। एवरेज होता 16 और 10 को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, एवरेज नहीं निकालना हमने, ठीक है जी।
14% को हम कहेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक। जी मेरा बच्चा, किसका ये जो 20% निकला है ना, ये अलग प्रोजेक्ट है और जो 12% ये अलग प्रोजेक्ट है, इनको वेटेड एवरेज करने की जरूरत नहीं है ना, हमने तो दोनों पे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है कि ऊपर वाले में पैसा डालें या ना डालें, नीचे वाले में पैसा डालें या ना डालें, इसको एवरेज करोगे तो एक गलत प्रोजेक्ट भी पिक हो जाएगा साथ, ठीक है ना। तो हमने इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है इस वाले में, और इसमें करना है हमने इन्वेस्ट। बता देता हूँ बेटा, मेरे पास तुम्हारा मैसेज आया था दफा, मैं बता देता हूँ। चलो जी, फिर एक बात बताओ, वैक क्या होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। कम से कम कंपनी ने इतना रिटर्न कमाना है किस चीज के लिए, इन दोनों स्टेक होल्डर्स को खुश रखने के लिए। अगर इससे ज्यादा कमाएंगे तो अच्छी बात है, अगर इससे कम कमाओगे तो फिर कंपनी को बंद करना पड़ेगा, ऐसा। अच्छा जी यार, अब तुम लोग दरमियान में आ गए, अगर क्लास ज्वाइन करोगे और पूछोगे बस और स्कूल क्या है तो मुश्किल हो जाएगी फिर यार। ये स्कूल जो है ना बस के नीचे आ गया है। मैंने ये बताया कि यार कंपनी का टारगेट रिटर्न है 14%। कंपनी को किसी ने कहा बस खरीद लो, उस पर तुम्हें 20% का प्रॉफिट हुआ करेगा सालाना, 70 रुपये दोगे ना तो तुम्हें 20% यानी 14 रुपये सालाना रिटर्न मिलेंगे। तो क्या बस में पैसा डालें? हाँ सर, क्यों? क्योंकि हमने कमाना कितना है 14% और ये दे कितना रहा है, तो हमें डालना चाहिए इसमें पैसा। अच्छा, स्कूल में पैसा डालें 80 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 12% का, 12% का तो बेकार है ना रिटर्न, हमें तो कमाना कितना है 14%, तो ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दो, स्कूल में ना डालो, और ढूंढो प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े हम दोस्त। जी मेरा बच्चा, हाँ बताऊंगा अभी कि कैसे एस्टिमेट करें। अच्छा आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही बच्चों वाला टुच्चा मुच्चा था सवाल आपको दे रहा हूँ, ताकि जो बाद में जो बच्चे आए थे ना जिनको ये लगा कि हमने स्कूल जो है ना बस के नीचे दे दिया, इनकी प्रैक्टिस हो जाए। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत ही बच्चों वाला सवाल, क्या लास्ट अटेम्प्ट के लेक्चर्स वैलिड हैं, उनसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये जो तुम्हारी क्लास साइज़ है ना, ये मेंटेन्ड रही ना एंड तक, मैं आपको बताऊँ एक रिमार्केबल बैच जाएगा आपका, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ, एक भी फेल नहीं होगा इस क्लास में। लेकिन ये जो आप ऐनक वाला जिन बनते हो ना और यहाँ से गायब होते हो, ये सही नहीं है। ठीक है जी, आने वाले बनो। ये ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मतलब नहीं 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 नहीं, अल्लाह के वास्ते ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। नहीं, हम पहले पूरा फाइनेंशियल नहीं पढ़ेंगे, हम फाइनेंशियल के दो चैप्टर पढ़ने के बाद थ्योरी पे चले जाएंगे, ठीक है ना, फिर हम वहाँ दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम आएंगे फाइनेंशियल्स। जी मेरा बच्चा, ये और बड़ी गलती होगी। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, आप अगर आपके पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं हो, पैसा आपके पास पड़ा है, आपने लोगों से ले तो लिया, आपके पास कहीं 14% वाला प्रोजेक्ट ही नहीं है, क्या करेंगे? थ्योरेटिकल जवाब दे रहा हूं, आप लोगों को पैसा वापस कर दें। आप कहें जी मेरे पास पैसा कमाने का एवेन्यू नहीं है, आपको चाहिए 14%, 16%, 10%, मेरे पास नहीं है भाई, जगह ही नहीं, आप खुद कहीं और इन्वेस्ट कर दें। ठीक है जी, ये हमारा थ्योरेटिकल अजम्पशन रहेगी। इफ़ यू कैन नॉट अर्न इनफ मनी कि आप अपने वैक को पूरा कर सको, ठीक है जी, हम लिखेंगे जनाब द कंपनी शुड रिटर्न द मनी ऑफ स्टेक होल्डर्स, अपने पास हमने पैसा नहीं रखना, क्योंकि आप अपने पास पैसा रखोगे देना तो है ना उनको 14%, कहाँ से देंगे फिर हम। ठीक है जी, अब बताओ जी वैक क्या आ रहा है, कैसे निकाला आपने? मैंने कहा जी मेरे पास 100 रुपये पड़े हुए हैं जिस पर मुझे रिटर्न कमा के देना है, कितने का? 18% का। और मुझे 50 रुपये पर रिटर्न कमा के देना है, कितने का?
12% का, और मुझे ये सारा रिटर्न कमाना है 100 + ₹50 पे, क्या आ रही? आप बताओ, अगर कंपनी को 16% से ज़्यादा कहीं रिटर्न मिल रहा है तो प्रोजेक्ट में पैसा डाले, और अगर नहीं मिल रहा तो ये पैसा वापस कर दे शेयर होल्डर और डेट होल्डर को। कैसे करना है ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं, फाइनल में आओगे तो हम ये सीखेंगे कि हम पैसा वापस कैसे करते हैं। ठीक है जी, अभी नहीं, अभी आपके थ्योरेटिकली जहन में सिर्फ क्या रखना है कि अगर कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर रही है, वैक हासिल नहीं कर पा रही है, इतना पैसा, इतना रिटर्न किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिल रहा कंपनी को, कंपनी को इमीडिएटली कम्युनिकेट करना चाहिए अपने स्टेक होल्डर्स को कि भाई ये पैसा अपना वापस ले लो, हमारे पास इतना पैसा कमाने की जगह नहीं बन रही है, ऐसा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अब एक एक कॉन्सेप्ट, मैंने 6 कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं आज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ, वैक कैसे कैलकुलेट करते हैं। पक्का तैयार हो, आगे बढ़े एक स्टेप। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब ध्यान देना है, ठीक है जी। नंबर टू, सेकेंड कॉन्सेप्ट आज के दिन का, वो है रिटेन्ड प्रॉफिट्स के ऊपर। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक बात बताओ, ये एक ठेला है, इस पे मैं टमाटर बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ? टमाटर बेचता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने 100 रुपये के टमाटर ठेले पे डाले और आज मैंने टमाटर बेचना शुरू किया, आज पहला दिन है मेरे बिजनेस का सर, करते 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 शाम तक ये सारे टमाटर बिक गए, और बिके कितने के पता है? 120 रुपये के। कितने के बताओ? मेरा कितना प्रॉफिट है? 20 रुपये का प्रॉफिट है, ऐसा। इस वक्त मेरे हाथ में क्या मौजूद है? कैश कितने का? 120 का। इसमें क्या शामिल है? 100 रुपये जो मैंने इनिशियल इन्वेस्ट किया था वो वापस आ गया, और 20 रुपये का क्या आया? प्रॉफिट आया। मैंने कहा यार नहीं, इस बिजनेस को मैं बड़ा होने दूंगा, मैं ये पूरे 120 रुपये टमाटर खरीद के ले आया। अब बताओ, अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊं आज के दिन पे, तो बताओ मेरी बैलेंस शीट पे एसेट्स कितने के मौजूद हैं? सर मेरे पास एसेट्स मौजूद हैं कितने के? 120 के, ऐसा। मेरा कैपिटल कितना है? 100, और मेरा रिटेन प्रॉफिट कितना है? 20, ऐसा। अब अगर कोई आपसे आके पूछता है कि सेकंड डे पे टमाटर देख के आपसे कहता है आपका बिजनेस है, मैंने कहा जी मेरा बिजनेस है, कितने पैसे लगे हुए, क्या जवाब दूं? मेरे कितने पैसे बिजनेस में लगे हुए, 100 या 120? 100 या 120? मैं कहूंगा सर मेरे 120 रुपये बिजनेस में लगे हुए। मैं रात को 120 रुपये घर लेके जा सकता था, मैंने अगले दिन आके क्या किया? टमाटर खरीद लिए। तो मैं लोगों को कहूंगा जनाब मेरे 120 रुपये लगे हुए, तो वो मुझे कहेगा यार कल तो तुम 100 रुपये कह रहे थे, तो मैं कहूंगा कल 100 रुपये थे ना, मैंने 20 रुपये कमाए, उस 100 रुपये में ऐड किए, मैं आराम से बिजनेस बंद करके 120 रुपये घर लेके जा सकता था, मैं नहीं लेके गया, मैंने उसके दोबारा टमाटर खरीद लिए। अब बताओ कोई कहे कि हमारा बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है, तो हम 100 रुपये नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? तो इसका मतलब है रिटेन्ड प्रॉफिट भी इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसा। अब आइंदा के बाद कोई कहे कि जी आपका बिजनेस पे कितना पैसा लगा है, तो हम सिर्फ इनिशियल कैपिटल नहीं बताएंगे, वो प्रॉफिट भी बताएंगे जो अब तक हमने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट किया है, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है, ये नोट करें। अब मैं आपको सर सवाल में एक एक करके डालता जाऊंगा। ये इनिशियल कैपिटल प्लस योर रिटेन प्रॉफिट्स विल बी द टोटल इन्वेस्टमेंट, ऐसा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बड़े आगे, अच्छा जी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम दोस्त। मैं बहुत ही बेसिक डेट के ऊपर बात करूंगा और फिर एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। बोर्ड पे देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, फिर इसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। एक कंपनी का नाम है एंग्रो, एंग्रो गई HBL के पास और कहा कि मुझे लोन चाहिए।
एंग्रो को एचबीएल ने लोन दिया 100 रुपए का और सूद का रेट रखा 10%। ठीक है, एंग्रो ने कहा और लोन चाहिए, एचबीएल ने कहा भाई हम एक बंदे को इससे ज्यादा लोन नहीं देते। तो एंग्रो चली गई यूबीएल के पास, यूबीएल को कहा जी मैं 100 रुपए का लोन ऑलरेडी लिया हुआ है, आप कुछ दे दें। यूबीएल ने कहा भाई हम 50 से ज्यादा का लोन नहीं दे सकते, लेकिन सूद का रेट होगा 12%। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूबीएल समझता है कि यार तुम ऑलरेडी अपनी इनकम में एक ठीक ठाक अमाउंट सूद का एचबीएल को दे रहे होगे, ये जो मैं आपको बाकी का पैसा दूंगा मजीद, तो इसके लिए सूद कहां से कमाओगे? इसको रिस्क क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है कि जिस एंग्रो शायद इतना पैसा नहीं बना सके, इतना सूद नहीं दे सके, तो इसने क्या किया, एंग्रो से ज्यादा रेट डिमांड किया। ऐसा अच्छा, फिर एंग्रो आया, हाजा अल मुस्लिम अल मजहब। ठीक है जी, पाकिस्तान में सबसे आसान चीज क्या बिकती है? मजहब। सबसे आसान चीज, यकीन करो मैंने प्लान रखा हुआ था, अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे कभी भी ऐसा ना करने की तौफीक दे, कि जिस दिन स्कूल बन गया ना मैं बाबा बन जाऊंगा। यकीन करो लोगों को दम दरूद करके दूंगा, ठीक है ना। जो औरत आएगी कहूंगा भाई आप अपने शौहर से तंग है, सास से तंग है, नन से तंग है, ठीक है जी। यकीन करो हर महीने 50,000 रुपए दे के जाएगी वो, ठीक है जी। और आप जैसे ये लुच्चे लफंगे भी मैं पकड़ूंगा, क्यों बेटा जिंदगी में दुख दिया किसी ने, ठीक है जी। हाँ, महबूब आपके कदमों में है, एग्जाम पास करने के लिए वजीफा लें, बंदिश की भी है बेटा किसी रिश्तेदार ने, एक पेपर भी पास नहीं कर सकूं, ठीक है जी, वो बंदिश तोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। पिंक कलर का बकरा चाहिए होगा, अब आप खुद ढूंढ भी नहीं सकते हो, तो आप अंदाजा लगाओ ये पाकिस्तान का सबसे इजीली सेलेबल कमोडिटी है। तो हम जा रहे हैं मीज़ान, मीज़ान ने कहा जी मैं आपको 30 रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकता हूँ, लोन होगा जी 14% में। ऐसा अब एंग्रो को मजीद लोगों ने लोन देना बंद कर दिया, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा। अब एंग्रो गया किसके पास? SECB के पास। एंग्रो ने कहा भाई देखो ये इनका ना मैं सूद आराम से दे सकता हूँ, मैं कोई बैंकरप्ट नहीं हूँ, मैं कोई नल्ला फकीर नहीं हूँ, आप मेरी हेल्प करें SECB, मुझे पैसा चाहिए, और मुझे आप पब्लिक से लोन लेने दें। किससे? SECB ने कहा ठीक है आपके क्रेडेंशियल ऐसे हैं कि आपको पब्लिक से लोन देने की, लोन लेने की इजाज़त दी जाए। तो हमने क्या किया, एंग्रो ने अवामुन नास को एड्रेस किया, एंग्रो ने फ़ोन किया ARDT को, एंग्रो ने फ़ोन किया मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं उसको KNS को, एंग्रो ने फ़ोन लिया तबानी साहब को, सबको फ़ोन किया एंग्रो ने, पैसा दो भाई पैसा चाहिए। अब गौर से सुनना, अब एंग्रो को लोगों ने पैसा दिया से 50-50 रुपए, एंग्रो ने इनको पता है क्या किया, एक एक सर्टिफिकेट दे दिया। क्या दे दिया? सर्टिफिकेट पे लिखा था मैं 50 रुपए का हूँ, मैं 50 रुपए का हूँ, मैं 50 रुपए का हूँ, और सबको सूद दे रहे हम कितना, 15%। अब बताओ ARDT ने अपने पास ये सर्टिफिकेट लेके रख लिया, ARDT ने दिए कितने पैसे एंग्रो, लेकिन ARDT इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को मार्केट में किसी भी वक्त जाके बेच सकता है। ऐसा अब बताओ एंग्रो के पास कितने टाइप के लोन है? दो टाइप के लोन है, एक बैंक लोन है, दूसरा पब्लिकली ट्रेडेड लोन है। ऐसा दूसरा कौन सा लोन है? अब बताओ अगर ARDT सर्टिफिकेट अपने पास रखे हर साल कितने परसेंट का सूद मिलेगा? 15% का। इसमें हुआ ये कि ARDT ने तौबा की अल्लाह से कि अल्लाह ये सूद खाना तो हराम है, ये तो हमने गलत ले लिया, तो हमने उठा के ये एक और कॉलेज को बेच दिया, XYZ कॉलेज को। XYZ कॉलेज ने क्या किया, ये खरीद लिया हमसे। अब बताओ ये सूद किसको मिलेगा? तो अब बताओ इन दो डेट्स में फर्क क्या है, एंग्रो के लिए इन दो डेट्स में फर्क क्या है? कोई नहीं, एंग्रो को दोनों पे सूद देना है। आसान भाषा, एंग्रो को दोनों पे सूद देना है, ऊपर वाले लोन्स पे सूद देना है 10%, 12%, 14%, और नीचे 3 लोन्स पे सूद देना है कितना। अच्छा, इसका मतलब है लोन बैंक से भी लिया जा सकता है, लोन आवाम से भी लिया जा सकता है। एंग्रो ने कहा मुझे तो और पैसा चाहिए। अब गौर से सुनना, अब एंग्रो गया दोबारा UBL के पास, UBL को कहा कि देखो मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े। UBL ने देखा जी एंग्रो के अकाउंट में 750 रुपए पड़े हुए थे बैंक अकाउंट में। एंग्रो ने कहा यार मुझे ना लंबा चौड़ा लोन नहीं चाहिए, 5-5 साल का, 4-4 साल का, थोड़े दिन का लोन चाहिए होता है। मैं एक चेक इशू करने वाला हूँ 760 रुपए का, मेरे अकाउंट में कितने पड़े,
और बैंक मुझे 10 रुपए का तो लोन दे दे यार। तो बैंक ने कहा ये 10 रुपए का लोन कितने साल बाद वापस करोगे? हमने कहा साल नहीं, दिनों में वापस ले लेना। अब मुझे एक बात बताओ, हमने 10 रुपए का ओवरड्राफ्ट ले लिया, बैंक ने कहा इस पे सूद का रेट है 20%। क्यों 20%? अभी आगे जाके बताऊंगा। मुझे एक बात बताएं, क्या ये भी एक लोन है? अब बताएं, जनरली आपके पास 3 किस्म के लोन आएंगे पेपर में। एक बैंक लोन होगा, एक डिबेंचर टाइप पब्लिकली ट्रेडेड लोन होगा, और तीसरा क्या होगा? मुझे बताएं एंग्रो के लिए तीनों में क्या फर्क है? एंग्रो ने तीनों पे सूद देना है, ऐसा है? ऐसा है या नहीं? अब मेरा सवाल है, एक कंपनी को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताऊँ अभी तक हमने पढ़ा, एक कंपनी को लोग देते हैं इनिशियल कैपिटल, कंपनी को और मिलता है क्या चीज? रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ये भी हम कंपनी को दे देते हैं। इनिशियल कैपिटल हम लाए थे 100 रुपए, वो कंपनी को दिया, और फिर जब हमने प्रॉफिट कहा, हमने कहा नहीं ये भी हम नहीं लेके जा रहे, ये भी रख ले तू यार, इस पे भी कमाई कर, फिर हम और क्या ले सकते हैं? सर हम बैंक लोन ले सकते हैं। बैंक लोन से भी हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। आप सिर्फ ये सोचो कंपनी को पैसा मिल रहा है, पहला पैसा कौन लेकर आया? मालिक। मालिक ने प्रॉफिट कमाया, घर नहीं लेके गया, वो भी कंपनी को दे दिया बैंक लोन से। और सर डिबेंचर्स, ये जो अभी आपने इशू किए थे एआरटीटी, और सर ओवरड्राफ्ट। मुझे बताएं ये सारे पैसे कंपनी को दे कौन रहा है? ऊपर वाले 2 पैसे कौन दे रहा है? नीचे वाले 3 पैसे कौन दे रहा है? डेट होल्डर। ऐसा डेट होल्डर को हम क्या पे करेंगे? सूद, इंटरेस्ट। शेयर होल्डर को हम क्या पे करेंगे? डिविडेंड। ऐसा अब बताएं कंपनी के पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जनरली कौन कौन से? 2 हैं, इक्विटी और डेट। शेयर होल्डर में क्या पैसा पे करता है? इनिशियल कैपिटल और अपना प्रॉफिट रिटेन जो होता है वो भी हमारे पास छोड़ जाता है, और जो हमारा बैंक है वो भी लोन देता है, डिबेंचर्स वो भी हमें लोन देते हैं, और ओवरड्राफ्ट ये भी लोन है। इन तीनों पे कंपनी ने क्या पे करना है? अब बताओ जब वैक निकालोगे तो ये सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे आपने कुछ ना कुछ पे करना है या नहीं करना है? तो इन सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को अकाउंट फॉर करोगे वैक के अंदर। कैसे करोगे अभी सिखाता हूँ आपको। मुझे फिर एक बात बताओ, हमारे पास बेसिक डेट की टाइप्स क्या क्या है? बैंक लोन्स है, उस पर भी सूद देना है। पब्लिक से लोन ले लें, उस पर भी सूद देना है। ओडी ले लें, उस पर भी सूद देना है। शेयर होल्डर से पैसा लें तो उस पर डिविडेंड देना है। शेयर होल्डर अपना कमाया हुआ पैसा भी हमारे पास छोड़ जाए तो अगली दफा उस पर भी डिविडेंड देना है। ऐसा ये बात समझ आती है? ये पहले कॉपी करो, तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। चलो जी, हमारे एक दोस्त ने ये काम शुरू किया था, हम उसके पास गए, हमने कहा जिंदगी भर का तू पापी है, तू क्या कर रहा है? कहता है भाई अल्लाह वालों को कोई ना कोई ऐसे इजाज़त दे देता है। तो खैर फिर उसने जिंदगी भर कोई काम नहीं किया, स्कूल का दोस्त था हमारा, माशाल्लाह वो यही काम करता है, लेकिन मस्त कमा रहा है, 2-3 दुकानें उसकी। ओवरड्राफ्ट वो पैसा है बेटा जो आपने बैंक से लिया है, लोन है टेक्निकली, और उस पर आपने क्या देना है? बैंक को सूद देना है। लोन कैसे? भाई बैंक आपको आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा अमाउंट पे कर रहा है, तो ज्यादा अमाउंट पे कर रहा है तो टेक्निकली लोन दे रहा है। आपके अकाउंट में 750 रुपए पड़े, आपने बैंक को कहा जी मुझे 760 रुपए देने, तो बैंक ने जो ओवर एंड अबव अमाउंट दिया वो क्या है? वो लोन ही है ना टेक्निकली। बड़े आगे दोस्त, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट एक ही चीज है बेटा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ जाए आगे। मेरे प्यारे बच्चों के हम आगे बढ़े, बढ़ जाएं। अब मेरे बच्चों आपने खुद वैक कैलकुलेट करके देना है मुझे।
बताओ कंपनी को पैसा कहां कहां से मिला है? 1,00,000 रुपए कंपनी का इनिशियल कैपिटल है, बाकी 50,000 कंपनी का वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने बांटा नहीं है, 70,000 का लोन है, 20,000 की ओवरड्राफ्ट है, और तीनों का सूद का रेट और डिविडेंड का रेट दिया हुआ है। अब वैक निकालो और यकीन करो निकालोगे तो गलती जरूर करोगे, मुझे पता है। शाबाश, खुद करो प्रॉफिट्स। अब बताओ इक्विटी होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है? 1,50,000 रुपए लगा हुआ है इक्विटी होल्डर का। कितना पैसा लगा हुआ है? 1,50,000 रुपए। 1,50,000 × 16%। कितने लोगों ने ये गलत गलती कर दी थी? ये इसीलिए मैं बार बार बता रहा था कि रिटेन प्रॉफिट्स भी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट है, ऐसा। प्लस 70,000 रुपये हमारे पास मौजूद हैं जिसपे हमने 10% सूद देना है, और 20,000 रुपये हमारे पास ऐसे पड़े हुए हैं जिसपे हमने 13% सूद देना है। बताओ टोटल हमारे पास पैसे हैं कितने? 2,00,000। कितना आ रही है? 14%। तो कंपनी को अपने सारे पैसे को यूटिलाइज करते हुए 14% का कम से कम रिटर्न जनरेट करना है, ऐसा है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, मसला, प्रॉब्लम, पसूड़ी, पंगा, नथिंग? पक्का मेरे बच्चों? कितने लोगों ने बिल्कुल सही कर लिया था? तो ये आसान चीज़ है, अभी ये तो होना ही है। आगे बढ़े, बोर्ड पर देखना मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर देखना। आज हमने दूसरी चीज़ कवर कर ली, बोर्ड पर देखना दूसरी तीसरी चीज़ बोर्ड पे देखो मेरे बच्चों। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं, एक सेकंड। हमारे आज के दिन का चौथा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोर्ड पे देखिएगा मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये बुनियादी डिस्कशंस में से एक है, ठीक है। बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई। सर मेरे पास कुछ पैसे मौजूद हैं और मैं जाता हूँ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास। किसके पास? मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को ये कहता हूँ कि मैंने ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं। क्या करने? इन्वेस्ट करने। बताओ कहाँ इन्वेस्ट करूँ? इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र मुझे कहता है कि आप अल्लाह के वास्ते पैसा इन्वेस्ट कर दें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। किस में? अच्छा मैं कौन हूँ? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पैसा कमा लिया थोड़ा, 20-25 लाख रुपये मेरी जेब में पड़े हुए हैं, बच्चे अच्छे हैं नहीं, ठीक है, शादी वादी हुई नहीं है, मैंने कहा पैसा ज़ाया हो जाएगा, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर जब शादी हो जाएगी तो पैसे आएंगे तो फिर एक लायबिलिटी भी आ गई होगी, पैसे देने होंगे, घर की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, बीवी की बात नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मुझे एडवाइज़र ने कहा पैसे डाल दो। मैंने कहा कैसे पैसे डालूंगा? उसने कहा आप एक काम करें, गवर्नमेंट आवाम से ना लोन लेती है। अच्छा गवर्नमेंट आवाम से लोन क्यों लेती है? गवर्नमेंट को अपने खर्चे मीट करने के लिए आवाम उन्नास पर टैक्स लगाने, इसके बाद भी अगर खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो फिर आवाम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोन लेती है, और लोन लेने के बदले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको सिक्योरिटीज़ देती है, यानी कागज़ के टुकड़े दे देती है, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्या कहते हैं? तो एडवाइज़र ने कहा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को लोन दे दो। मैंने कहा फिर उसमें रिटर्न कितना मिलेगा? उसने कहा उसमें रिटर्न मिलेगा सिर्फ 10%। मिसाल दे रहा हूँ। मैंने कहा फ़ायदा क्या है इसमें? तुम्हें क्या लगता है मैं ये नवाज शरीफ और जरदारी को लोन दे दूं? उसने कहा नहीं 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 नहीं, नवाज शरीफ और जरदारी गवर्नमेंट नहीं है। तो मैंने कहा वो गवर्नमेंट है जो हम समझते हैं सब? उसने कहा नहीं नहीं वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर कौन है गवर्नमेंट? उसने कहा भैया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक सिम्बॉलिक पोजिशन है, आप इनको पैसा देंगे पैसा नहीं डूबेगा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इनके पास नोट छापने की मशीन है। मैंने कहा अच्छा मतलब अगर पैसा डूब रहा होगा, नहीं होगा इनके पास पैसा, ये क्या करेंगे? ये इन्होंने बटन दबाने और टप टप मशीन से नोट छाप के हमें दे देने कि जाओ घर पे इसको फाड़ लेना, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं सर, इसका मतलब है इसमें डिफॉल्ट रिस्क 0% है, पैसा आपका डूबेगा नहीं कभी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया है, 0% चांस है कि आपका पैसा डूब जाए, ठीक है जी। ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं सॉवरन इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? अब बताओ आइंदा के बाद अगर तुमने पैसा इन्वेस्ट करना है सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सी है? गवर्नमेंट को दे दें लोन। क्यों? आपका डिफॉल्ट नहीं है भाई, गवर्नमेंट पैसा लेके नहीं भागेगी,
आप जाएं आपकी गवर्नमेंट को कहें यार ये मैंने आपसे आपका आपका आपकी सिक्योरिटी खरीदी थी, ट्रेजरी बिल खरीदा था, भाई ये लो मेरा पैसा दो, गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी जेबें तलाश करेगी? नहीं है, रुको एक मिनट, मशीन छाप के पैसे छाप के आपको दे देगी। इसलिए हम कहते हैं जनाब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिफॉल्ट रिस्क, आपका पैसा डूब जाए, सामने वाला लेके भाग जाए, इसका रिस्क क्या है? 0%। ऐसा मैंने कहा अच्छा यार थोड़ा रिटर्न ज्यादा चाहिए ना, थोड़ा और अच्छा बताओ। उसने कहा रिटर्न ज्यादा चाहिए तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मैंने कहा बताओ और क्या है? उसने कहा आप एक काम करें, आप सर आप ना पैसा डाल दें बैंक अल अबीब में। क्या, किस में डाल दें? बैंक अल अबीब में। मैंने कहा ये क्या? उसने कहा ट्रिपल ए रेटेड डेट सिक्योरिटीज। मैंने कहा ट्रिपल ए रेटेड, ट्रिपल ए क्या है? ना 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 मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत तमीज से सुनना। देखिए पाकिस्तान में दो कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी क्रेडिट रेटिंग करती हैं। क्या करती हैं? क्रेडिट रेटिंग का मतलब मिसाल के तौर पर कल मैं ARTT को लेके जाऊं इन दो कंपनीज के पास। पाकिस्तान में दो कंपनीज हैं, एक का नाम है पैकरा, एक का नाम है JCRBIS। ये तुम्हें पता होना चाहिए, मैं पहले बता दूं, ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी काम की इन्फॉर्मेशन। मैं गया JCR के पास, ठीक है जी, जापान क्रेडिट रेटिंग कंपनी के पास में गया। मैंने कहा भाई ARTT एक कंपनी के तौर पे आपके पास आई है, आप बताएं ARTT कैसी कंपनी है? उसे कहा अभी बता दें। उसने मुझसे मेरे सारे बैंक डिटेल्स ली, मेरे पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स लिए, मेरे सारे जो की टीचर्स हैं उनका इंटरव्यू किया, उससे डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद मुझे कहा कि ARTT एक ट्रिपल ए रेटेड कंपनी है। मैंने कहा ये क्या होता है? उसने कहा ऐसा जैसे कि गवर्नमेंट, पैसा आपके पास अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा नहीं डूबेगा, आप किसी का पैसा नहीं खाते हैं रिफंड के नाम पर, ठीक है जी, नॉन रिफंडेबल के नाम पे। पैसा दिया है तो वापस मिलेगा, नहीं तो सर्विस मिलेगी। अब बताएं सर ट्रिपल ए रेटेड का मतलब क्या है? एज गुड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एज गुड एज। अब बताएं सर इसमें भी डिफॉल्ट रिस्क क्या है? अच्छा इसका रिटर्न 11% है। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट से ज्यादा क्यों है? क्योंकि सर जब आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि गवर्नमेंट के पास पैसा इन्वेस्ट करो या किसी कंपनी के पास, तो कंपनी तो एक कंपनी है ना, गवर्नमेंट तो इंटायर गवर्नमेंट है, आप किसके पास पैसा इन्वेस्ट करोगे? गवर्नमेंट के पास। तो ये जो आपको अगर मैं इंटाइस करूं, आपको मैं लालच दूं कि कंपनी के पास डालो तो 1% रिटर्न क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। आप अब बताएं सर दोनों जगह पे डिफॉल्ट रिस्क क्या है? अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए कहां पैसा इन्वेस्ट करोगे? आप इन्वेस्ट करोगे सर ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज। अगर आपको सर सेफ सिक्योरिटी चाहिए, आप चाहते हो कि जी बस बिल्कुल अंधाधुन में घर जाकर सो जाऊं बस, तो क्या पैसा इन्वेस्ट, कहां पैसा इन्वेस्ट करूं? अच्छा अब गौर से सुनना, अगर मुझे JCR रेटिंग देता AA तो इसका क्या मतलब है? AA का मतलब क्या है? थोड़ा सा रिस्क है। AA+ का क्या मतलब है? अभी AA है लेकिन AAA होने जा रहा है। AA न्यूट्रल का क्या मतलब है? अभी AA पे है, अगला मूव क्या होगा पता नहीं है। देखो कंपनी के हालात खराब होते हैं, अच्छे होते हैं तो रेटिंग क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। AA- का क्या मतलब है? अभी तो AA पे है लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं कि ये किस पे चला जाएगा, SA पे चला जाएगा। ऐसा अब मुझे एक बात बताएं, ये रेटिंग कौन करता है? ये JCR करता है या पैकरा करता है? क्या हर कंपनी को रेटिंग करवाने की जरूरत है? हर कंपनी को रेटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी रेटिंग करवाए जो अवामुन्नास से पैसा मांग रही है, ताकि अवामुन्नास को पता चले कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। यानी सारी लिस्टेड कंपनीज को JCRBIS के पास या पैकरा के पास जाना पड़ता है, किस चीज के लिए? अपनी क्रेडिट रेटिंग करवाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों अब बताओ, अगर मैं AAA रेटेड से थोड़ा सा हल्का बॉन्ड ले लूं, कौन सा AA रेटेड कंपनी में पैसा डाल दूं, उसका डिबेंचर ले लूं, तो डिफॉल्ट रिस्क होगा कोई 2-1.5%। रिटर्न कितना होगा? अब बताएं जी 13% का रिटर्न क्यों है? रिस्क भी तो है ना सर, डूबने का भी तो खतरा है, ठीक है जी। अब बताएं जी गौर से सुनना, मैंने कहा नहीं थोड़ा और पैसा कमाना है। क्या? उसने कहा सर फिर आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स ले लें। मेरे प्यारे बच्चों ये सारी टर्म्स दिमाग में रखनी है। कौन सा बॉन्ड ले लें? इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब होता है BBB।
ठीक है जी, ट्रिपल बी से नीचे नहीं, अप टू ट्रिपल बी को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड। ट्रिपल बी क्या है, ये ए माइनस के बाद क्या आएगा, ऐसा क्रेडिट रेटिंग में नीचे। अब इसमें डिफॉल्ट रिस्क होता है 5-6% और रिटर्न कितना है जी, 15% का। अब बताओ जी इसमें रिटर्न ज्यादा क्यों है। अब आप अपने आप को इमेजिन करो, आप इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मैनेजर के सामने बैठे हैं, ये सारे एवेन्यूज आपके सामने, बताओ कहां पैसा इन्वेस्ट करोगे। डिपेंड्स, अगर एक बंदा डरपोक है, अपना पैसा लूज नहीं करना चाहता, वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल देगा। और अगर एक बंदा कहता है यार 5-6% का रिस्क है, कोई टेंशन नहीं है यार, 95% तो ये भी चांस है ना कि पैसे सुकून से मिल जाएंगे, तो डालो यार 15% का रिटर्न मिले, ऐसा है या नहीं। अब मैंने उसको कहा नहीं, मैं थोड़ा और रिस्की इंसान हूँ, कोई और बताओ। उसने कहा फिर आप जंग बॉन्ड्स खरीद लें। क्या खरीद लें? मैंने कहा जंग बॉन्ड्स क्या होते हैं? उसने कहा सर जंग बॉन्ड्स होते हैं सी कैटेगरी के, सिंगल सी, यानी बिल्कुल ही पिटे हुए बॉन्ड। उसने कहा इसमें माशाल्लाह 15% चांस होता है कि आपका पैसा डूब जाए। मैंने कहा ओके, रिटर्न? उसने कहा रिटर्न है 19%। मैंने कहा यार मजा नहीं आया यार, थोड़ा और देखा। उसने कहा सर आप एक काम करें, डिफॉल्टेड बॉन्ड्स ले लें। जो बोल चुके हैं लोगों को, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन चांस है कि छक्का लग जाएगा और वो सही हो जाएंगे, तो सर इसमें डूबने का चांस है कोई 25-30%। ठीक है जी, इसमें रिटर्न है कोई 22%। मैंने कहा यार मजा नहीं आया यार। उसने कहा फिर आप एक काम करें, आप सूद पे काम ही नहीं करें, आप एक काम करें आप शेयर्स ले लें किसी कंपनी के। किसके शेयर्स ले लें? ब्लू चिप सिक्योरिटीज के। ये ब्लू चिप क्या होते हैं? अच्छी कंपनीज जिनका पुराना पास्ट 7-8 साल का 10 साल का प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड हो, ठीक है जी, लोगों की बायतमाद कंपनीज हो, एंग्रो यूनिलीवर, यूनिलीवर सब डीलिस्ट हो गई है, ठीक है जी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, ठीक है जी, फौजी फर्टिलाइजर्स हैं, कभी डूबेगी हैं, फिर फौजी फूड्स, ठीक है जी, अस्करी बैंक, ठीक है जी, इसके आप शेयर्स ले लें। देखो मसला ये है कि इसके अंदर चूंकि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है 10,000 फैक्टर्स की वजह से, तो ये चांस है कि आपका पैसा डूब जाए, ठीक है जी, 25-30% चांस है कि आपका पैसा डूब जाए, लेकिन आप इसमें रिटर्न कमा सकते हैं जी 30% तक। 100 रुपये डालें 130 रुपये मिल जाएगा आपको वापस, ठीक है जी। आप एक बात बताएं। मैंने कहा नहीं यार कुछ और बताओ। उसने कहा फिर आप एक काम करें, आप दोनों दे दिए, बस सही मेरे पास रहने दो। चलो जी अब बताया। मैंने कहा यार कुछ और ऐसा बताओ यार कि मजा आ जाए यार, ठीक है ना, कुछ अच्छा कमाने का मौका मिले। उसने कहा आप एक काम करें, आप स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीद लें। मैंने कहा ये कौन से? उसने कहा छोटी छोटी कंपनीज हैं, 1 रुपए का शेयर है 1.5 रुपए पे चला गया तो 50% की इनकम हो जाएगी। 1 रुपए का शेयर है कितने पे चला गया? अगर 1.5 रुपए पे चला गया, सोचो 100 रुपए वाला शेयर अगर 125 पे भी चला गया ना तो 25% की इनकम है। 1 रुपए वाला शेयर अगर 1.5 रुपए चला गया तो तू कहाँ चला जाएगा ये सोच। मैंने कहा फिर इसमें भाई 50% का चांस है, लेकिन ये याद रखना पैसा डूबने का चांस भी 50% है, वो 1 रुपए वाला 8 आने में भी आ सकता है। अब एक बात बताएं, गौर सुन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सामने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, क्या करना चाहिए मुझे, वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी? सर अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बेपना रिस्क लेना चाहता है रिटर्न कमाने के लिए, आई वुड प्रेफर कि मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीद लूं,
लेकिन अगर मैं एक देखो एक जवान आदमी होता है ना जिसका लंबा करियर पड़ा होता है आगे, वो रिस्क लेता है। जो बंदा अपने बुढ़ापे में होता है ना और उसको पता होता है कि आगे भाई दोबारा इतने पैसे कमाने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो जाता है किसके ऊपर? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर, ट्रिपल ए रेटेड के ऊपर। यानी सर ये याद रखना, आपके रिस्क एपिटाइट पे, किस पे आप कितना रिस्क ले सकते हो। अब मेरा एक सवाल है, अब जो मैं सिखाया ना समझाया ना उसको समझना, मुझे बताएं ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मुकाबले में प्रीमियम कितना दे रही है? 1% का। सर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मुकाबले में प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 5% का। प्रीमियम का मतलब ओवर एंड अबव। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सॉरी ट्रिपल बी रेटेड सिक्योरिटीज डबल ए रेटेड के मुकाबले में कितना प्रीमियम दे रही है? 2% का। ऐसा है। अब सर ये सारी चीजें ना आपने अपने पास लिखनी है, ठीक है जी। मेरे प्यारे भाई क्या हम आगे बढ़े? डबल ए माइनस का क्या मतलब है अभी करंटली डबल ए रेटिंग के ऊपर, लेकिन हालात कंपनी के अच्छे नहीं है, अभी कंपनी सिंगल ए पे आ जाएगी। ट्रिपल ए रेटेड वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें डिफॉल्ट रिस्क 0% होता है। CMA एंड MFA विच इज हार्डर? MFA इज नॉट हार्डर, MFA इज नॉट हार्ड एक्चुअली, आसान है, मुश्किल नहीं है। कौन सा वाला? देखो ट्रिपल बी का मतलब है ऐसा बॉन्ड जिसकी रेटिंग ट्रिपल बी हो। ट्रिपल बी कब होता है? ट्रिपल ए से डबल ए पे जाएगा, डबल ए से सिंगल ए पे जाएगा, सिंगल ए से ट्रिपल बी पे जाएगा, यानी काफी नीचे आ चुका होगा। हल्का बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यानी इसमें कमाई के हिसाब किताब अच्छा है, डिफॉल्ट रिस्क कितना नहीं है, लेकिन ट्रिपल बी से नीचे गया फिर कचरा, और सी पे पहुंचते पहुंचते वो क्या बन जाता है? जंक बॉन्ड। ट्रिपल ए रेटेड को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से बेटर है? नहीं भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसा ही है वो, लेकिन चूंकि वो एक इंडिविजुअल है, बैंक के एक कंपनी है, तो उसकी इसलिए रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिलता है उसमें। नहीं मैं, अच्छा एक चीज याद रखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हमारे लिए सॉवरन है? नहीं, हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। क्या हो गया भाई, तबीयत खराब हो रही है यार? ये चिकन गुनिया चिकन खाने से होता है, फिर मच्छर वच्छर से होता है, बहुत हो रहा है भाई आजकल। जी बेटा, हाँ इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं देखो, जहां रिस्क है वहां पे भी इंटरेस्ट है, प्रॉफिट सिर्फ यहां से आता है बस, ये दो, क्योंकि इन दो में आप कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, और ऊपर सारी जगहों पे आप सामने वाली पार्टी को लोन दे रही है, ठीक है ना जी। डिस्कशंस नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में ट्रिपल ए रेटेड कौन है? बैंक अलबीब है, मैंने आपको बताया। एक आध बैंक ही है, खाल बैंक्स भी नहीं, एक आध बैंक है ना। फाइनेंशियल्स पे क्या, आप उसको सर्च कर लो, JCR एक वेबसाइट है, JCRVIS.com, उस पर जाओ, वहां नहीं मिला तो packera.com पे चले जाओ। अच्छा ये बच्चा अभी मुझे अपडेट कर रहा है कि वो डबल ए रेटिंग पे आ गई है, ठीक है। पाकिस्तान के सिर्फ दो बैंक्स हैं जो ट्रिपल ए रेटेड तक गए, एक हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक गया है और एक ही बैंक अल हबीब गया है, ठीक है ना। यार अल्लाह माफ करे, एक बच्चा कह रहा है भाई मैंने तो जिंदगी में सॉवरन तो कभी नहीं सुना, सॉवरन यूनियन सुना है, वो सोवियत यूनियन था। सॉवरन का मतलब होता है जिसमें डिफॉल्ट रिस्क 0%, डूबने का चांस ही ना हो, ऐसा है मेरे बच्चों। जी मेरा प्यारा बच्चा, ट्रिपल ए रेटेड भी सॉवरन नहीं है। देखो सॉवरन का मतलब है एक मिसाल दे रहा हूं मैं, गवर्नमेंट है, आप कहते हो गवर्नमेंट को पैसा दे दो, डूबने का चांस 0% है, क्योंकि उसके पास नोट छापने की मशीन है। फिर मैं कहता हूं एक बैंक भी ऐसा है, इसको पैसा दे दो ना तो डूबने का चांस 0% है, उसके पास पैसा छापने की मशीन नहीं है,
हाँ अलबत्ता उसके प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बैंक है, बड़े ब्रांचेज हैं उसकी, बड़ा पैसा है उसके पास, पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन इसके बावजूद है तो वो बैंक ही ना, एक गवर्नमेंट तो नहीं है ना, इसलिए उसका रिटर्न क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन उसमें भी डिफॉल्ट रिस्क कितने परसेंट है, 0%। क्योंकि मैं यार लगता है कि डूबते डूबते हुए भी इसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है जी, इतना इतनी आसानी से नहीं डूबेगा। स्मॉल कैप तो कंपनियां हैं, छोटी छोटी टुच्ची कंपनियां, अब पता नहीं क्लास में बोलने वाली बात है या नहीं है। आप लोग एक फिल्म मत देखना जिसका नाम है यार लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म थी यार, कौन सी थी वो, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। उसके अंदर वो ब्रोकर होता है ना, वो क्या करता है, वो छोटी छोटी कंपनियों का स्टॉक बेचता है। उस छोटी छोटी कंपनी को कहते थे पिंक शीट स्टॉक्स, ठीक है जी, यानी बहुत छोटी कंपनी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी का नाम है हैदर कंस्ट्रक्शंस, ये पाकिस्तानी कंपनी है। एक का नाम है फ्लाइंग सीमेंट, नाम सुना है, कंपनी है भाई, लिस्टेड कंपनी है, 7 रुपए का शेयर है, 6.5 रुपए का शेयर है, छोटा शेयर है, सस्ता शेयर है, ठीक है जी। हैदर कंस्ट्रक्शन 1 रुपए का शेयर है, NIB बैंक था एक जमाने में 1.5 रुपए का शेयर। मैं NIB बैंक की सब्सिडरी का CFO था, तो एक इन्वेस्टर मुझे फोन करके कहता है लानत है तुम्हारी कंपनी के ऊपर, 6 शेयर दो तो एक अंडा मिलता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स, ठीक है जी। आगे बढ़ो दोस्त, ये डिस्कशन जहन में रखना। आगे मैं फिर बता दूं, मैं बार बार रिपीट करूंगा कि यार बताएं ट्रिपल ए रेटेड है, डिफॉल्ट रिस्क कितना है, आपका क्या जवाब होना चाहिए, 0%, ठीक है जी। ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस टेबल को बार बार आपने रेफर करना होगा अभी आगे जाके। आओ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आपको दे रहा हूं, कलमा पढ़ के मर जा बेटा। कितने बजे तक का टाइम है, 3:15, अभी तो बहुत टाइम है यार। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा, अपने पास आज की, बेटा बिल्कुल खामोश, 5वीं हेडिंग डाल रहे हो, होल्डिंग, मेरा प्यारा भाई चुप हो जाओ, देखो मैंने आपको ना 5 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और अब मैं इनको मिलाऊंगा। मैंने आपको सबसे पहले क्लास में आके बेसिक वैक समझाया, फिर मैंने आपको समझाया रिटेन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट होती है, फिर मैंने आपको समझाया कि डेट कंपनी चाहे बैंक से ले, पब्लिक से ले, ओवरड्राफ्ट ले, कंपनी के लिए सारे डेट बराबर हैं, सब पे सूद देना है कंपनी को। फिर मैंने आपको ये बताया कि जी कंपनी के पास इतने सारे, कंपनी का एक आम इन्वेस्टर के पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इतनी सारी जगह, ठीक है जी। और अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आज की 5वीं छोटी और बारीक सी चीज, विच इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड यील्ड। गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ना एक 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 अपनी वाइफ को कहा कि आप 100 रुपए इन्वेस्ट करें किसी जगह पे। उन्होंने इन्वेस्ट किए एक साल के लिए, कितने साल के लिए, एक साल के लिए, और 112 रुपए उनको मिलेंगे एक साल बाद। 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 12 रुपए मिलेंगे। ये कौन है जी, मेरी ये वाइफ वन है, दूसरी है वाइफ टू। इनको भी मैंने सर 100 रुपए दिए, इन्होंने कहा कि जी मैं 7 मंथ्स के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ और 7 मंथ्स के बाद मेरे पास 108 रुपए वापस आएंगे। हाँ जी बताओ जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसका अच्छा है, वन का या टू का, कंपेरेबल है दोनों। मैं कह रहा हूँ जी एक ने इन्वेस्टमेंट की है 100 रुपए की और कमाए 112 है, तो इसका मतलब पूरे साल इन्वेस्टेड रखा है पैसा, पूरे साल, बताओ कितना रिटर्न आया, 12% का। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 100 की, तो रिटर्न कितना आ गया, 12%। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। दूसरी को मैंने सर 100 रुपए दिए थे, उसने 8 रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट पे कमाए, ओवर अ कैपिटल ऑफ 100, ये कितना आ रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ ये 12% पर एन एम है, क्या मैं कह सकता हूँ ये 8% पर एन एम है, नहीं सर ये नहीं कह सकते। ये रिटर्न 8 रुपए का ना 7 महीने का रिटर्न है, ये साल का नहीं है। तो पहले काम करते हैं हम इस 8 रुपए के प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं किससे, 7 महीनों से, तो 1 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। 8 रुपए के रिटर्न को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का रिटर्न आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12, तो पूरे साल के रिटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा।
कितना होता है देखो 13.71। इसका मतलब है भाई हमने इफेक्टिवली अगर पूरे साल इस इन्वेस्टमेंट को रखते तो हम 13.71 कमाते, ऐसा। अब बताओ जी 13.71 को अगर मैं डिवाइड करूं किससे, 100 से, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, 13.71% पर एनम। अब बताओ सर क्या ये दोनों अब कंपेरेबल हैं, ये 12% और ये ऐसा है। अब बताओ सर फिर 8% क्या था, 8% सर पूरे साल का रिटर्न नहीं था, 8% सिर्फ मेरे होल्डिंग पीरियड का रिटर्न था, जितने पीरियड मैंने इन्वेस्टमेंट होल्ड किया उसका रिटर्न है, ये पूरे साल का रिटर्न नहीं है। तो याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे और वो बताए कि जी कंपनी ने 8% कमाया है, तो 8% कंपनी का होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, एनुअल रिटर्न नहीं है। हमें कंपेरेबल बनाने के लिए रिटर्न्स को क्या करना पड़ेगा, एनुअल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनुअल के ऊपर। फिर रिपीट कर दूं, आपने 8 रुपए का प्रॉफिट कितने महीनों में कमाया है, तो हमने 8 को डिवाइड कर दिया 7 से, हमने कहा जी 1 महीने का प्रॉफिट निकाल लो और फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 12 से। तो बताओ मेरे पास 8 रुपए 7 महीनों में कमाना ऐसे ही है कि जैसे 100 रुपए पे 13 रुपए कमाना पूरे साल में, ऐसा। अब बताओ मेरे पास किस वाइब ने ज्यादा वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है, सेकंड वाले ने। क्यों, क्योंकि उसने आपको 8 रुपए तो कमा के दिए लेकिन पूरे साल में नहीं बल्कि 7 महीने में। और इसकी इक्वलेंस या मिसाल ऐसे ही है कि आप 13.71% कमाओ, ठीक है जी, पूरे साल में, और ऊपर वाला इन्वेस्टमेंट वो कितने का है, वो 12% पर एनम है। तो ये याद रखना, अगर आपको एग्जाम में 2 प्रोजेक्ट्स मिले कि किस में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो क्या आप एनुअल रिटर्न देख के डिसीजन लेंगे या होल्डिंग पीरियड देख के, एनुअल देख के। मैं कभी भी होल्डिंग पीरियड देख के डिसीजन नहीं लूंगा, मैं 8 और 12 को कंपेयर, मैं हर रिटर्न को क्या करूंगा, एनुअल में कन्वर्ट करूंगा। एनुअल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है सर, रिटर्न डिवाइडेड बाय होल्डिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय 12, इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, साल का रिटर्न आ जाएगा। ये पहले कैलकुलेटर देखना मेरे बच्चों, अगर गवर्नमेंट नोट छापे तो व्हाट अबाउट द करेंसी एक्सचेंज रेट्स रिस्क। भाई मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपने रुपयों में इन्वेस्टमेंट की है और आपको गवर्नमेंट रुपयों में रिटर्न कर रही है, तो आपके एक्सचेंज रेट का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में बैठे ना, अगर हम यूएसए की गवर्नमेंट को पैसा देते और वो हमें डॉलर देता, फिर हमें डर होता कि यार डॉलर का रेट कहीं चेंज ना हो जाए, वहाँ हमें लॉस हो सकता है। लेकिन हम तो बात इस वक्त क्या किसकी कर रहे हैं, पाकिस्तान की कर रहे हैं ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना अभी अपने जहन में मत लाओ, अल्लाह के वास्ते। इसकी रिक्वायरमेंट जरा सही कर लेते हैं। कैलकुलेट एनुअल यील्ड, शाबाजी। वो कह रहे जी फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स नीड इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 मिलियन, नाउ एनुअल यील्ड द फॉलोइंग इनफ्लोज लमसम। एक जगह हमने पैसे डाले तो 12 महीनों बाद 112 मिलेंगे, एक जगह पैसे डाले तो 108.33 रुपए मिलेंगे लेकिन 7 महीने बाद, और सर 106.25 आपको मिलेंगे, शाबाश। जी मेरे बच्चों,
क्या आ रहा है, पहले का क्या आ रहा है, एनुअलाइज यील्ड क्या आ रही है पहले केस में 12%, मैं 12 को 12 से डिवाइड करके 12 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, ओहो तो ये 12 ही आ जाएगा है? और बी को 8.33 को मैं डिवाइड करूं 12 से, ना सर 7 से, सॉरी 7 से, 7 से मल्टीप्लाई करूं किससे, क्या आ रहा है 14.28, और सी 6.25 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना, इसको भी मैं डिवाइड करूं 100 से, इसको भी मैं डिवाइड करूं कैपिटल 100 से, इसको भी मैं डिवाइड करूं 100 से, तो ये आ जाएगा 12%, ये आ जाएगा 14.28%, और ये आ जाएगा, बता सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, इसमें सी है ऐसा। सर हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं अपनी पूरी क्लास को आज की, आज हमने सबसे पहले आगे पढ़ा कि कंपनी को पैसे देने वाले दो लोग होते हैं, एक शेयर होल्डर होता है जो एक रिटर्न मांगता है जो जनरली डेट होल्डर से ज़्यादा होता है, ठीक है जी, डेट होल्डर हमसे सूद मांगता है, हम इन दोनों के पैसे जो ये लेकर आए होते हैं उस पर एक वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर कंपनी ये इंश्योर करती है कि कंपनी जहाँ जहाँ पैसा इन्वेस्ट करे इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा कमाए, अगर नहीं कमा पाए तो पैसा शेयर होल्डर और डेट होल्डर को वापस दे दे, कैसे वापस दे दे, दिस इज नॉट इन आवर कोर्स राइट नाउ, ठीक है जी। फिर हमने ये पढ़ा जनाब कि अगर एक शेयर होल्डर अपना कमाया हुआ प्रॉफिट कंपनी के पास छोड़ जाए तो ये टेक्निकली उसने फर्दर इन्वेस्टमेंट की है, तो इस पर भी उसको जो है वो रिक्वायर्ड रेट मिलना चाहिए, अगर एक बंदा 100 रुपये कंपनी को दे रहा है और साल के एंड पे उस पर प्रॉफिट कमा रहा है और कह रहा है यार मैं नहीं लेके जा रहा, तो इसका मतलब है वो ये पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगली दफा कंपनी उसको 100 रुपये पर रिटर्न नहीं देगी बल्कि 100+ अमाउंट के ऊपर रिटर्न देगी, ऐसा। फिर हमने पढ़ा जी कंपनी के पास हर तरह का डेट कंपनी के लिए डेट है और उस पर कंपनी को सूद पे करना है, चाहे वो बैंक से लोन ले, चाहे वो ट्रेडेड डेट इशू करे, चाहे वो ओडी ले ले, वैट कैलकुलेट करते हुए हर किस्म का लोन आपने लेना है जिस पे आपने सूद देना है, ठीक है जी, हमने उसके ऊपर एक एग्जांपल भी कर दी। फिर हमने ये पढ़ा कि जनाब एक इन्वेस्टर, कंपनी की बात नहीं कर रहे, एक इन्वेस्टर, एक इंडिविजुअल बंदा अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है तो सर उसको रिटर्न ज़्यादा मिलता है वो जैसे जैसे रिस्क लेता है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा रिटर्न कम मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाल दे, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में डाल दे, सर वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, जंक बॉन्ड्स, डिफॉल्टेड बॉन्ड्स इसमें आएगा तो उसका रिटर्न तो बढ़ेगा लेकिन डिफॉल्ट रिस्क, और अगर सर वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले तो दो ही तरह की कंपनीज होती हैं, या ब्लू चिप होती हैं या सर फिर हमारे पास जो है वो स्मॉल कैप्स होती हैं, तो अच्छी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न कम मिलेगा, रिस्क भी कम होगा, लेकिन अगर ख़राब कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो फिर सर चांसेस हैं अच्छा कमा भी ले और ये भी चांस है कि लॉस भी कर दे, ऐसा। अब बताए फिर हमने पढ़ा जी होल्डिंग पीरियड यील्ड, कि एक कंपनी या एक बंदा किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करे पूरे साल के लिए नहीं, एक पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, तो फिर हम उसका रिटर्न ऐसे नहीं निकालते हैं, हम उसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं एनुअलाइज बेसिस के ऊपर, किस पे, ताकि हमारी कंपैरिजन हो सके। अब बताएं तीन सिक्योरिटीज में, तीन कंपनीज में कंपनी को किस जगह पे पैसा डालना चाहिए था, सी में, क्योंकि वहाँ अपेरेंटली 6.25 रिटर्न मिल रहा है लेकिन वो कितने महीने का है, पूरे साल के तनाजुर में देखा जाए तो कितना रिटर्न है, 15% का, ठीक है जी, याद रहेगा मेरे बच्चों। ये मैं आपके जो है ना वो ड्राइव पर डाल रहा हूँ और ड्राइव आपसे भी मैं शेयर कर देता हूँ, आपको आज एक होमवर्क मिलेगा, और अगर कोई बंदा, आप मेरा श्राप सुन लें, अगर कोई बंदा ये नहीं करके आएगा तो इंशाअल्लाह ताला फेल होगा, हैं क्या कह रहा है, नहीं नहीं एमएफए की बात कर रहा हूँ, कह रहा है वो तो बाद में देखेंगे सर, है चलो जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम।